सर्दी के मौसम में बीमारियों का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन ठंड के साथ साथ जब प्रदूषण का दोहरा अटैक लगे तो यह आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ ठंड के साथ साथ प्रदूषण ने भी अटैक कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा स्तर तक पहुँच गया है। आपको बता दें कि सर्दी और प्रदूषण से ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज का खतरा दुगना होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में बुजुर्ग, बच्चों और मरीजों का खास ख्याल रखना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं सर्दी और प्रदूषण से होने वाली कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो आपके सेहत पर बुरा असर डालती हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसके लक्षण क्या है और इससे सावधानी कैसे बरती जाए। खांसी जुकाम। डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों जब तापमान में गिरावट आती है तो सभी लोगों पर इसका असर पड़ता है। इस वजह से खांसी जुकाम होना आम बात है। अगर 3-4 दिन के भीतर जुकाम का इलाज न किया गया या जुकाम ठीक ना हो तो यह फ्लू हो सकता है। क्या है इसके लक्षण? सर्दी जुकाम होने पर नाक से पानी, लगातार छींके आना, बदन दर्द, सिर या आँखों में भारीपन, गले में खराश के साथ हल्का दर्द। क्या है इसके उपाय? जितना हो सके गर्म पानी पिएं, ठंडा और मसालेदार खाना आदि से परहेज रखें। अस्थमा। ठंड के मौसम में एलर्जी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जिससे सांस की नली में सूजन आ सकती है, जिससे फेफड़ों में हवा जाने से रुकावट होने लगती है। जब एलर्जी पैदा करने वाले तत्व सांस की नली में संपर्क में आते हैं तो सांस लेने में परेशानी होने लगती है। क्या है अस्थमा के लक्षण? सांस के साथ आवाज आना, जल्दी जल्दी सांसें लेना, सीने में जकड़न महसूस होना। इससे बचने के क्या है उपाय? अस्थमा के मरीज पालतू जानवर के करीब ना जाएं, धूल मिट्टी से जितना हो सके खुद को दूर रखें। हार्ट अटैक। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के साथ साथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं। दिल तक खून पहुंचाने वाली किसी एक या एक से अधिक धमनियों में जमे फैट के थक्के के कारण रुकावट आ जाती है, खून का फ्लो रुक जाता है। खून न मिलने से दिल की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे धीरे धीरे दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसके लक्षण हैं लगातार सीने में दर्द या ऐंठन होना, चक्कर आना, नींद न आना, सांस फूलना। इसके उपाय, अगर आपको छाती में अचानक अकड़न और घबराहट महसूस होती है, उसी वक्त एस्पिरिन की एक टैबलेट लें और धूम्रपान करने से बचें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।